अभी कल ही मैं और मेरी टीम हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने आपको कौन से बर्गर की रेसिपी दे दी। हमने आपको वेज बर्गर दे दिया, चिकन बर्गर दे दिया, पनीर पकौड़ा स्लाइडर दे दिया, पनीर टिक्का बर्गर दे दिया, बचा क्या? मटन बर्गर। मटन बर्गर की रेसिपी आफ्टर इंट्रो, बट इंट्रो से पहले आप सब सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे इंस्टा और फेसबुक के यूजर नेम यहाँ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स। सत श्री अकाल, मैं हूं जसप्रीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, और आज हम बनाने जा रहे हैं मटन बर्गर। उसके लिए मैंने ये मटन कीमा कर लिया है, इसमें लगभग 15% मैंने किडनी फैट लिया है, बाकी मैंने मटन के पुट का पार्ट लिया है और उसको कीमा कर रहा हूँ मैं। मटन बिल्कुल फाइन कीमा करना है, अगर 5-10 मिनट लगते हैं तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, फाइन कीमा करवा लो, नहीं तो अपने बुचर को बोल दो, वो आराम से फाइन कीमा कर देगा। फाइन कीमा करेंगे तभी बर्गर की पैटी में क्रीमीनेस आएगी, अगर नहीं करोगे तो क्रीमीनेस नहीं आएगी। फैट को कीमा करने के बाद उसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे इसको क्रीमी करने के लिए, दैट इज मेयोनेज। मेयोनेज से एक्चुअली एक तो ये टेंडराइज भी अच्छा होगा, क्योंकि इसके अंदर विनेगर है, बहुत ज़्यादा विनेगर होता है, इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो स्टोर बॉट मेयोनेज होते हैं उसमें बहुत विनेगर होता है। सेकेंडली इसमें फैट भी है, क्रीमीनेस भी हो जाएगा, तो थोड़ा सा मेयोनेज और उसके बाद इसको मस लेंगे। अब इसको मसलने के बाद इसको करेंगे फ्लेवर, पहले सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट, थोड़ी सी ग्रीन चिली, सॉल्ट। सॉल्ट डालने के बाद इसको एक मिक्स, थोड़ा सा जीरा और धनिया। जीरे और धनिया को ड्राई रोस्ट कर लेंगे, इसका ऑलमोस्ट काम हो चुका है, इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स डालेंगे। धनिया और जीरा ड्राई रोस्ट करने के बाद बाहर निकाल लें और इनको दरदरा पीस लें। अब ये जीरा और धनिया मटन मिक्स में, और उसी के साथ थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, अब इसको एक मिक्स। पैटी का मिक्स तो तैयार है, अब चीज़ का मिक्स भी तैयार कर लेते हैं पैटी में स्टफ करने के लिए। तो उसके लिए ग्रेटेड चीज़, थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, ओरिगानो एंड चिली फ्लेक्स। तो जी हमारी पैटी का मिक्स डन है, चीज़ मिक्स डन है, अब पहले पैटी बना के इनको रेस्ट करने के लिए रख दे देते हैं। पैटी बनाने के लिए हाथ में कीमे का मिक्स, उसको बीच में से फ्लैटन करें और चीज़ डाल दें और इसको बंद कर दें। तो ये हमारी पैटी डन है, सिमिलरली हम बाकी पैटीज भी बना लेंगे। तो जी पैटी डन है, पैटी रखेंगे फ्रिज में, 10-15 मिनट रेस्ट देंगे, तब तक हम अपने बर्गर बन टोस्ट कर लेते हैं और बाकी के इंग्रेडिएंट्स बर्गर असेंबल करने के लिए काट लेते हैं।
तो हमारी हर चीज तैयार है, बर्गर बन तैयार है, वेजिटेबल्स तैयार है, पैटी तैयार है। पैटी ने रेस्ट कर लिया और बहुत मस्ती हो गया। अब टाइम है पैटी फ्राई करने का। पैटी फ्राई करने के लिए पैन के नीचे आग और पैन में घी। ऑयल के साथ कर सकते हैं बट घी के साथ अल्टीमेट फ्लेवर आता है, तो घी यूज़ कीजिए। मटन के साथ ऑलमोस्ट हमेशा घी। पैटी हमने मीडियम हॉट ऑयल में या घी में फ्राई करनी है। थोड़ा सा ज़्यादा लें तो बेटर है, क्योंकि पैटी हमारी मोटी है और हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, इसीलिए थोड़ा सा ज़्यादा लें बेटर रहेगा। चीज़ डालने के बाद ढक के पकाना है ताकि ऊपर का चीज़ भी मेल्ट हो जाए एंड हमारी जो पैटी है वो ढंग से अंदर तक पक जाए, बट गैस लो। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। ये तो सीरियसली नेरा इश्क है। अगर आप मेरी इस बात पे एग्री करते हो तो कमेंट्स में बता दो कितना नेरा इश्क है। फिर रेसिपी करो ट्राई फोटो फेसबुक पेज पे। वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सत श्री अकाल। हैप्पी कुकिंग।